बिसम रखमनिम स्टूडेंट नाथ जो हमारे पास एग्जांपल है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस ही रिलेटेड है जिसमें हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन होगी बट सिग्मा इज़ अन नॉन एन एन इज़ ग्रेटर देन थर्टीन ठीक है स्टूडेंट uh, हमने जो प्रीवियस टू एग्जाम्पल किए हैं उसमें भी हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन थी और नॉर्मल पॉपुलेशन में ये भी एग्जाम्पल है बट उसमें आपके पास सिग्मा नॉन था आपको सिग्मा गिवन होता था अगर आपको सिग्मा ना गिवन हो क्वेश्चन में देन आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो बताऊंगी वैन सिग्मा इज़ अन नॉन एन इज ग्रेटर देन थर्टीन इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एक्जाम्पल भी एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं तो वैन सिग्मा इज़ नॉन एंड वैन सिग्मा इज़ अन ये टू सिचुएशन एंड देन नेक्स्ट सिचुएशन हम करेंगे जिसमें हम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे करेंगे इनशाला वो भी हम नेक्स्ट uh, अपने लेक्चर्स में uh, करेंगे अच्छा स्टूडेंट इसमें हमारे पास एग्जांपल है जो कि मैं आपसे uh, करती हूँ इसकी वैल्यूज लिख देती हूँ एग्जांपल में जो चीज़ें यूज हो रही हैं हमारे पास एग्जांपल क्या है द मार्क्स ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट्स एट द लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज आर नॉन एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ ट्वेंटी अब देखिए म्यू हमारे पास क्या है ट्वेंटी गिवन है एंड दे आर सेंग दैट द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स मीन मीन इज इक्वल टू ट्वेंटी मीन इज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी एंड

फाइव वट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन स्टूडेंट हमारे पास इच एंड एवरी थिंग गिवन है ठीक है अब यहां हमारे पास कहें दे आर सेंग देट वी हैव नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द पॉपुलेशन वन म्यू इज इक्व टू ट्वेंटी कह रहे हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वैल्यूज इट्स मीन हमारे पास जो नल एंड आल्टरनेटिव हाईपोस बनेंगे उसमें हम इज इक्वल टू नॉट इक्वल रखेंगे क्योंकि वी हैव द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड इज इक्वल थर्टी सिक्स उन्होंने गिवन दे दिया है क्वेश्चन में एक्स बार भी क्वेश्चन सिग्मा इज नॉट नॉट बर सींग

अब देखिए नल हाइपोसिस एंड अल्टरनेटिव हाईपोथिस इसमें हमारे पास क्या है म्यू इज ऑल्सो गिवन है वो हमारे पास क्या है ट्वेंटी फाइव है एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन म्यू इज नॉट टू एंड इट्स अ टू साइडेड है ये है, है. Student, हमारे पास क्या है टू साइडेड वैल्यूज हैं अब स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है सेकंड स्टेप में हम बताते हैं वट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टूडेंट इन विच क्वेश्चन वी आर नॉट कन्फर्मिंग कन्फर्मिंग अवर कन्फर्म हमें नहीं है अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में और मैंने आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जब हमें लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस ना गिवन हो क्वेश्चन में हमें फुल अच्छे तरीके से मैंशन ना किया हुआ है देन वी आर टेकिंग द लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस इज आ एल्फाइज इक्व टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव अगर हमें लेवल ऑफ सिग्नीफिकेंस नहीं गिवन होता देन वी आर टेकिंग दीरो पॉइंट जीरो फाइव लेवल ऑफ सिग्नीफिकेंस तो लेट एस स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट जीरो पॉइंट जीरो फाइव नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट टेस्ट स्टेटिस्टिक अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास थर्ड है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने अपना फार्मूला जो है उसको क्लैरिफाई कर क्लियर करना होता है वो आपने वेरीफाई करना होता है कि आपके पास कौन सा फार्मूला uh, है टेस्ट स्टैटिस्टिक अब देखिए हमारे पास क्या है कि सिग्मा इज़ नॉट नॉन है वी हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन तो जो आपके पास फार्मूला लगेगा वो होगा तो सेम एक्स बार माइनस म्यू बट वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट सिग्मा ठीक है क्योंकि सिग्मा आपके पास क्या है अन नॉन है तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला अच्छा अब हमने क्या करना है देन हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन क्रिटिकल रीजन जो है वो मैंने आपको लिख कर भी बता दिए थे मैं हर वीडियोस में बता रही होती हूँ अच्छे तरीके से तैयार करने हैं क्रिटिकल रीजन मैंने लिखे हुए थे अच्छा उसमें हमारे पास क्या था जो Z है ठीक है Z की जो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस में आ जाती हैं 1.96 आती हैं जी ये हमने क्लियर भी किया हुआ है कि हमारे पास Z की जी की वैल्यूज़ ये आ जाती है मॉड मीन प्लस माइनस जब आप इसे सेपरेट uh, करते हो नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप हमारे पास जी आ जाता है कम्पटिशन आपके पास क्या आ जाता है कंप्यूटेशन जिसमें आपने कंप्यूट करके बताना होता है कि आपकी क्या वैल्यूज आए अब जी इज टू एक्स बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड डिशन अंडर वुड एन ईच एंड एवरी थिंग गिवन यू ऑनली पुट द वैल्यूज ठीक है तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स बार हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेवन आ जाएगा माइनस म्यू आपके पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा स्टैंडर्ड डिशन जो है फाइव एंड देन अंडर वुड एंड जो है इट इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करो और इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आपके पास आ जाएगा 2.40 देन फोर कंक्लूजन लास्ट स्टेप वी हैव द कंक्लूजन कि हमने जो चीज़ सॉल्व की है उससे हमारे पास क्या रिजल्ट कंक्लूड हो रहे हैं हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है अब स्टूडेंट आप देखें हम कहते हैं कि वी हैव वी हैव जी इज इक्वल्स टू टू पॉइंट फोर जीरो हमारे पास यही आया है ना और ये हमारे पास क्या है वन पॉइंट नाइन सिक्स में नहीं फॉल कर रहा है क्योंकि यहाँ देखें स्टूडेंट आप जब आपके पास ये वैल्यूज हो यहाँ हमारे पास माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स हो यहाँ प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स हो यहाँ का जो एरिया वो क्रिटिकल रीजन है एंड ये एक्सेप्टेंस रीजन है आप देखो कि टू पॉइंट फोर जीरो जो है पॉजिटिव में, वो यहाँ कहीं आएगी 2.40। इट्स मीन इट्स लाई इन द क्रिटिकल रीजन तो हम क्या कहेंगे वी हैव जी इज इक्वल्स फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन सो वी Reject H naught and accept. एच वन तो ये हमारे पास क्या हो गया है वी आर रिजेक्टिंग द एच नॉन एंड एक्सेप्ट एच वन तो ये हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है ये स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन uh, है वैन वी हैव द नॉर्मल पॉपुलेशन सिगमाईज़ अन नॉन तो उसके लिए आपने ऐसे क्वेश्चन करना आई हो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा किसी भी किस्म की आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मैं इनशाला आपको कमेंट्स में रिस्पॉन्स दूंगी अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया मैं आपको अगेन वीडियो बना के दूंगी बट आपने मुझे uh, मस्ट अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने है और अगर समझ भी आता है तो आप मुझे मस्ट रिप्लाई किया करें मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वाकई वो आपके किसी काम आ रहा है या नहीं आ रहा तो तब तक के लिए अल्लाफ़